सकते हो। ये देखो देखते रहिए ये बाइट करेगा मुझे, देखते रहिए आप। बहुत ही एग्रेसिव, जब इस प्रकार से सांप पीछे हटता है तो समझिए बहुत करीब आर की और मैं, और ये गर्दन फुला रहा है अपने कैमरा में, शूट कीजिए। पीछे काट लिया, कभी सांप काटे और ऐसे करके उसमें से दांत निकालने हैं, दांत छोड़ देते हैं ये। हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सेवक स्नैक हेल्पलाइन। और आज साथियों मैं जंगल में सांपों को रिलीज करने आया हूँ। आप जंगल देख सकते हो ये कहाँ पर, मैंने पहले भी काफ़ी सारे सांप छोड़े हैं। और तो साथियों जो सांप मैं आज आपको दिखाऊँगा वो एक ही प्रजाति के सांप है, लेकिन सांपों का साइज आप देखते रहिए और नजरें जमाए रखिए, क्योंकि इसमें जो है सांपों की आपको पहचान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसान इधर से इधर खेतों की तरफ चलता रहता है और किसान की ज़िंदगी में अगर सांप ना हो तो ज़िंदगी अधूरी। क्यों? क्योंकि अगर आज सोचिए खेतों में एक चूहा है और एक चूहा की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी फ़िलहाल ये सांप अगर खेतों में नहीं होंगे, चूहा, कीट मच्छी छोटे छोटे फसलों को नष्ट करेंगे। इसीलिए मैं पहले भी कहता हूँ और अब भी बता रहा हूँ, सांप जो है किसान का मित्र है, दूसरा किसान सांप कह सकते हो आप, क्योंकि फसलों को रखाने के लिए इसकी बहुत अहम भूमिका रहती है। ये साथियों आप पहचान कर लीजिए, बहुत ही छोटा सा सांप है, लेकिन ये भी इंडियन रेड स्नैक है। और काफ़ी, और इसकी पहचान में आपको खास बात बताऊं, आइएगा कैमरामैन आइए, आगे से काला है और पीछे से बिल्कुल पीला। लेकिन इसे सांप को देखकर लोग बाग बहुत ही जहरीला समझते हैं और मार डालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसे रिलीज़ करते हैं, जाने दो। देखिए इस सांप की रफ्तार कितनी तेज़ है और कितनी तेज़ ये जंगल की तरफ गया। साथ ही मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर कोई जीव अपने पर्यावरण में वापस जाता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने इतने बड़े सांप आज तक नहीं देखे होंगे। और मैं भी शायद दूसरी बार इन सांपों को रिलीज कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े सांप। ये भी साथियों इंडियन रेड स्नैक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, तो इनको एक साथ ही रिलीज करेंगे, क्योंकि ये देखिए बहुत ही खतरनाक मूवमेंट है इनका। ये बार बार मुंह मार रहे हैं मेरे, देख सकते हो। ये देखो दोनों ही बारी बारी से मुंह मारते हुए। और इन सांपों में साथियों किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता। ये सांप नर और मादा है, इसमें ये वाला नर है और ये मादा है। तो चलिए इस सांप को पहले हम रिलीज करते हैं। ये देखिए कितना एग्रेसिव है, देखिए देखते रहिए ये बाइट करेगा मुझे, देखते रहिए आप। बहुत ही एग्रेसिव, जब इस प्रकार से सांप पीछे हटता है तो समझिए बहुत करीब आर की और मैं, और ये गर्दन फुला रहा है अपने कैमरा में, शूट कीजिए। काट लिया, बस मुझे पता थी, मैं आपको अभी बाइट मार्क्स दिखाऊंगा। ये पहले भी एग्रेसिव था और इसने मुझे काटा है, मैं पहले ही बाइट करके दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन चलिए इसे रिलीज करते हैं। इसका आपने मुझे काट लिया और अभी ये जंगल की तरफ गया, इसको भी हम रिलीज करते हैं। ये देखिए कितना बड़ा सांप है। और आइए कैमरा में आइए, दिखाओ, मैं आपको दिखा दूँ। आप कभी भी जूता पहन के, थोड़ा ऐसे कभी भी जूता पहन के ही रिलीज करें। कभी सांप काटे और ऐसे करके उसमें से दांत निकालने हैं, दांत छोड़ देते हैं ये। ये देखिए इसका दांत है, ये लोग दांत छोड़ देते हैं। कैमरामैन थोड़ा साफ आए, दिखाने की कोशिश करें, ठीक है। और इसमें और भी दांत होंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है ऐसा, ये सिर्फ एक सांप जो है पर्यावरण नेचर है। अगर कभी आपको सांप काटे तो एक ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सांप काटे तो आपको सीधा हॉस्पिटल दिखाना है, गाम खेरा। और ऐसा सांप काटे तो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा बीपी हाई हुआ और वहाँ आप फंसे। ये इसने बहुत गहरी बाइट की है, इसका बार कभी खाली नहीं जाता। मैं कह रहा था कि ये बाइट करने की कोशिश करेगा और मैं पीछे हट जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चलिए, आपने देख लिया कि सांप हमें नहीं काटते। आप कहते हैं कि जादू मंत्र से कर रखा है आपने, ऐसा कुछ नहीं है। सांपों की जो है आपको एक तरीक़ा से ये सोच लीजिए कि पढ़ाई करनी पड़ती है। सांप कब एग्रेसिव होता है, सांप कब एग्रेसिव नहीं होता, सांप को एग्रेसिव कैसे किया जाता है, इसी प्रकार से आपको बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा की ज़रूरत है अगर आप सांप पकड़ना चाह रहे हो तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके दोस्तों तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचे। तो मैं सेवक कुमार, बहुत नमस्कार, जोहार, आभार, अभिनंदन, सत श्री अकाल और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, बाय बाय।